हेलो गाइस, वेलकम बैक मिस्टर शुभ गेमिंग में। मैं हूं शुभम गोला और आज हम बेंटले बेंटायगा की एसयूवी कार के साथ ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कार यहां खड़ी हुई है जो कि एक बीच के आसपास के घरों में है और भाई इसको हम आज लेकर के चलने वाले हैं। फिलहाल मैं इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। इंटीरियर में भाई इसका जो स्टेयरिंग है वो मेरे राइट साइड पर है और बाकी लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं इसको लेकर के चलता हूँ कार को। और भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और मैं इसको लेकर के चलता हूँ यहाँ से। गाइज इस वक्त का जो मौसम है वो बारिश का मौसम है और मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। बहुत ही प्यारी ये कार लग रही है इस बारिश के मौसम में। मैं पैक कर लेता हूँ तब ही मैं इसको अपनी ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पर लेकर के जाऊँगा। और मौसम के साथ साथ ये गाड़ी का कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। बेंटायगा इसका नाम है। और ये देखो भाई, बिल्कुल रियल कार लग रही है ये। यहाँ पर मैंने कहा था बीच पर ये खड़ी हुई है, बीच के जो आसपास के घर हैं वहाँ पर ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। और मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं साइड से निकालता हूँ। और ये रेते में देखो अंदर की तरफ धंसती हुई जा रही है और मुझे यहाँ से निकाल लेनी है अपनी गाड़ी को। पहले मैं पहले रोड पर आऊँगा, उसके बाद ही मैं ऑफ रोडिंग पर लेकर के जाऊँगा। और यहाँ पर ये देखो कितनी प्यारी ये कार लग रही है। और बारिश हो जाएगी तो भाई मौसम में गजब ही छा जाएगा इस गाड़ी के साथ साथ। ये भाई ये देखो, ये एक और रोड पर आ चुकी है ऑफ रोडिंग वाली। यहाँ से घरों से तो ये निकल चुकी है और बाकी आगे जो मेन रोड है हमें वहाँ पर लेकर के जाना है। उसके बाद हम जो है ऑफ रोडिंग पर लेकर के चलेंगे इसको, इसकी ऑफ रोडिंग करेंगे। और गाड़ी जो है गजब की लग रही है। इसकी साउंड भी सुन लो गाइस, इसकी साउंड इस तरीके की है। और मैं इसको आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ तो भाई ये देखो बहुत ही प्यार से ये आगे को भाग रही है। एसयूवी कार बेंटायगा, बेंटले की ये कार है और मैं पहले गियर में ही चला रहा था। और भाई कितनी स्पीड से ये भाग रही है ये देखो यार। मुझे थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पर। और अभी भी ये बीच के पास ही घूम रही है गाड़ी। और भाई मुझे लगता है बारिश भी होने वाली है क्योंकि मौसम बहुत ख़तरनाक हो रखा है। बादल बहुत काले काले छाए हुए हैं, काली घटा देकर के बादल आ रहे हैं। और ये देखो सामने से भाई मौसम क्या ख़तरनाक हो रखा है। और भाई मुझे जो है ना यहाँ से आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि भाई ये मेन रोड है और यहाँ से निकलना आराम से ज़रूरी है। और ये देखो इस तरीके की कारें आती हैं, ठोक करके चली जाती हैं। और मैं जो हूँ आगे की तरफ चलता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बारिश हुई है अभी शायद। और ये तीसरा गियर, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके इंटीरियर में बैठ जाता हूँ। और ये मौसम देखो भाई क्या गजब का लग रहा है। बिल्कुल अंधेरा सा यहाँ पे मौसम लग रहा है। मैं इसको बहुत ही प्यार से लेकर के जा रहा हूँ और उसके बाद ही हम इसकी ऑफ रोडिंग करेंगे यहाँ पर। हो सकता है तो हम इसकी स्पीड भी चेक करें। स्पीड हम हाईवे पर चेक करेंगे, वो हाईवे हम पकड़ लेंगे साथ ही ऑफ रोडिंग करते वक्त। लेकिन यार बारिश नहीं हो रही है भाई, धूप भी निकल रही है और बादल भी हो रहे हैं। पता नहीं किस तरीके का ये मौसम हो रहा है। तो हम जो है एक काम करते हैं, बाहर की तरफ अपना कैमरा करते हैं। तो ये कर लिया हमने बाहर की तरफ अपना कैमरा। और भाई ओए ओए ओए, बाहर की तरफ कैमरा करने के बावजूद भी हमारी टक्कर अभी एक कार से हो गई है। और फिर से हम चलते हैं अपनी ऑफ रोडिंग की लोकेशन पर। और ऑफ रोडिंग की लोकेशन हमारी आ चुकी है गाइस। और इन कारों को निकलने देते हैं, उसके बाद ही हम चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन इस कार से हम आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर हमारी ऑफ रोडिंग की जो लोकेशन है वो आ चुकी है। यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग की लोकेशन शुरू होती है। और भाई ये देखो मौसम भी देखो और गाड़ी भी देखो। अब हमारी गाड़ी गंदी होने के लिए तैयार है। मिस्टर शुभ हमने अपनी नेम प्लेट पर लिख रखा है। लेकिन यार बारिश नहीं हुई, बादल भाई धोखा दे गए, बादल धोखा दे गए गाइस। और ये भाई ये हम लेकर के चलते हैं अपनी गाड़ी को एक नदी के साथ साथ। और हम जो हैं आगे को इसी तरह से बढ़ेंगे। और भाई फिर से हम नदी के पास आ चुके हैं
और मुझे आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पर। मैं भाई कैमरे से हाथ हटा लेता हूँ ताकि मैं जो हूँ आराम से अपनी ऑफ रोडिंग कर सकूँ, और मुझे जो है भाई यहाँ पर आराम से चलना है यहाँ पर। एक रोड आ चुकी है, मैं इस रोड पर निकल लेता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। ओके वेरी गुड। तो गाइस ये जो है एक रोड और आ चुकी है, मैं इस रोड की तरफ चल लेता हूँ और यहाँ से ही मैं अपनी ऑफरोडिंग जारी रखूँगा। अभी तक हम जो थे भाई पानी के साइड साइड तक थे और अब हम पानी से दूर जाने वाले हैं। और भाई पूरी कार डूब चुकी है, देखो मेरी आगे बेंटली का लोगो, मैं जो हूँ थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ गाड़ी की और फिर चलते हैं। और यहाँ पर देख करके मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, दिख तो नहीं रही है। हाँ है भाई, है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ऑफरोडिंग पर। और ये देखो रोड कितनी ख़तरनाक हो रखी है, मुझे लगता है यहाँ पर बारिश पड़ी थी इसलिए यहाँ की रोड जो है वो गीली हो रखी है। और ये पूरा यू टर्न मोड, ये देखो ये मैंने ड्रिफ्ट मार दिया यहाँ पर, मुझे सीधे चलते रहना और आगे की तरफ मैं जो हूँ भाई देखता हूँ किधर को मेरी लोकेशन जा रही है। ड्रिफ्ट मारते हुए यहाँ से चलें भाई, इस ऑफ रोडिंग में ना ड्रिफ्ट करना बहुत मज़ेदार है भाई। और भाई रोड आ गई तो हम क्या करते हैं, हम जो है भाई राइट की साइड लेते हैं अपनी गाड़ी को, बहुत ही आराम से हमारी गाड़ी आ चुकी है। और भाई ये देखो आगे से मुझे लगता है पानी फिर से आ चुका है, नदी बहुत लंबी चौड़ी है, ये पता नहीं कितनी नदियाँ हैं यहाँ पर। और फिर से मुझे देख करके चलना पड़ेगा भाई, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, यहाँ से देख करके चलना ही बेटर है भाई। अब चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मैं अपनी ऑफ रोडिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। और भाई ये देखो फिर से एक और मोड़, लेकिन गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ठुके ना, बस बस अब ठीक है। और भाई एक रास्ता ये है, हम इधर साइड मुड़ जाते हैं, रास्ता तो यहाँ से भी आ रहा था आगे से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई हम जो है यहाँ से ही अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे, ये देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। और आज मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं ठोक रहा हूँ, बस हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही वो गाड़ी रेड कलर की आई थिंक थी वो ठुक गई थी, हल्की सी पीछे से ही ठुकी थी, वो भी मैंने कैमरा हटाया था तब। ठीक है तो हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है गाइस, ये देखो फिर से पानी की लहरों में। ओ देख करके भाई, चलो ठीक है हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारी जो ऑफरोडिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए हमारी ऑफरोडिंग। और भाई मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ओए ओए ठोकना मत यार, कितनी ख़तरनाक तरीके से ट्रिप्ट करते हैं ये लोग, मुझे बचा करके लेकर के जाना पड़ता है अपनी गाड़ी को। और ये देखो भाई मेरी गाड़ी भी ट्रिप्ट होते हुए इधर को निकल रही है। और भाई यहाँ पे घर आ गए काफ़ी सारे, और भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, निकालो यहाँ से जल्दी। ओ भाई निकल गई। तो गाइस ये थी हमारी फ़िलहाल की ऑफ रोडिंग, और अब हम रोड पर आ चुके हैं और अब हम इसकी जो है स्पीड टेस्ट करेंगे और थोड़ी सी और ऑफ रोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे, जहाँ पर हमें अपने घर मिलेगा हमारा हम वहाँ पर पार्क कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के। और भाई ये मौसम कैसा हो रहा है, कहीं शाम तो नहीं होने वाली है यार। तो गाइस यहाँ पर हमें मिलने वाला है हमारा जो हाईवे है इधर साइड, हम अपने हाईवे पर जाएंगे और उसके बाद ही हम अपनी जो स्पीड टेस्ट है वो करेंगे इस गाड़ी की, किस तरह से ये गाड़ी हमारी चलती है। बेंटायगा बेंटली की ये गाड़ी है भाई, 200 तो यहीं पर चल रही है गाड़ी मेरी। गाड़ी बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है यार, बहुत ही स्मूथली तरीके से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और भाई ये जो है एक और राउंड सर्कल आ गया है,
जहाँ पर हमें मुड़ाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, और ये चौराहा है एक तरीके का। और भाई ये देखो, ये आ गया हमारा हाईवे, हाईवे वाली ये रोड है हमारी। अब हम इसको भगा लेते हैं यहाँ से और देखते हैं इसकी जो स्पीड है वो क्या कहती है। और भाई मुझे यहाँ से एकदम उड़ाना पड़ेगा। और ये देखो अंदर बैठ जाता हूँ, 300 की स्पीड। और भैया गाड़ियों को देखते हुए चलना पड़ेगा मुझे आगे की तरफ। और भाई सिक्स गियर में ये चल रही है, 350 की स्पीड भी आने वाली है हमारी गाड़ी की। और मैंने रेस फुल दे रखी, लेकिन यार इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ी भाई, स्पीड नहीं बढ़ी है भाई इसकी गाड़ी की। और भाई ये जो मौसम है ना, मौसम भी बहुत गड़बड़ा रहा है हमारा। और गाइस ये देखो 350 की स्पीड पर ही चल रही है। और ठुकना मत, ओ ओ ओ संभल ही नहीं, संभल ही नहीं। शिट 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 शिट, भाई कहाँ आकर के गिर रही है। हे भगवान, ये क्या गजब हो गया भाई, इतनी स्पीड में नहीं चलाने का था, इतनी स्पीड में नहीं चलाने का था, गलत हो गया यार ये तो। हमारी जो ऑफ रोडिंग की वीडियो थी उसकी रेड लग चुकी है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं गाड़ी को हमारी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कितनी ऊंचाई से गिरे, कितनी भी नीचाई से गिरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी टूटे, क्योंकि गाड़ी हमारी सही सलामत है। और हम इसको ऊपर की तरफ लेकर के चलते हैं हाईवे पर, और फिर जो है हम जो है भाई, और भाई ये देखो एकदम पहाड़ जैसे हाईवे के लिए ये कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है यार। और मुझे कहाँ को निकालना पड़ेगा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर तो सब कुछ बंद कर रखा है तारों से। तो एक काम करते हैं हम आगे की तरफ निकल लेते हैं। वेट 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 वेट, यहाँ से यहाँ पर सब बंद कर रखा है भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर के चल लेते हैं। और भाई यहाँ पर शाम हो रखी है, मौसम जो था अभी तक तो भाई बारिश का था, लेकिन अब शाम हो चुकी है यहाँ पर। तो मुझे जो है अब यहाँ से संभाल करके लेकर के चलना पड़ेगा अपनी गाड़ी को। मैं इधर साइड लेकर के चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पर मिल जाएगा क्या मेरे को रास्ता, लेकिन नहीं यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता बंद कर रखा है भाई इन लोगों ने। अबे कहाँ खोलोगे, तोड़ना पड़ेगा क्या मुझे, मुझे हाईवे पर जाना है, मुझे हाईवे पर जाना है भाई, मुझे हाईवे पर जाना है यार। ये तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने वो बंद कर रखा है। एक काम करते हैं यहीं से तोड़ लेते हैं यार इसको। ओके, तो भाई क्या मौसम हो गया। ओह ओए 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 ओए, एक और ठोक दी गाड़ी ने यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम जो है गाइस फिर से अपने हाईवे पर आ चुके हैं, और अब हम जो है भाई फिर से हम अपनी ऑफ रोडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑफ रोडिंग का रास्ता भी हमारे पास यहीं पर ही था, लेकिन भाई वो संभल नहीं पाई, ड्रिफ्ट नहीं हो पाई हमारी, हमारी गाड़ी संभल ही नहीं पाई। और ये जो है हमारा जो रास्ता है ना, मुझे थोड़ा सा संभाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ओ ये देखो संभाल करके चलना पड़ेगा भाई, मैंने कहा था मुड़ती नहीं है गाड़ी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मुड़ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा हाईवे के बीचों बीच एक रास्ता जिसमें हम निकल सकते थे, और हम निकल भी रहे हैं। और भाई हमारी जो रात भी हो चुकी है, गाड़ी भी दिखना बंद हो चुकी है हमारी, पीछे से रेड कलर की लाइटें जल रही हैं, बैक लाइट इसकी। और भाई यहाँ से मैं चलूँगा अपनी लेफ्ट साइड, खेतों के बीचों बीच लेकर के जा रहा हूँ यार इस गाड़ी को। और भाई ये देखो मौसम, देखो इधर का कैसा हो रखा है और इधर साइड कैसा हो रखा है यार, बिल्कुल अंधेरा छाया रखा है भाई। तो गाइस ये आ चुके हैं हम अपनी एक और नई रोड पर, जहाँ पर हम अपनी एक और ऑफ रोडिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे। जहाँ भी हमें रास्ता मिलता है हम इस गाड़ी को पार्क कर देंगे अपने घर में, फिर से गाड़ी को भगा देते हैं। गाड़ी हाई स्पीड में भाई संभली नहीं, बिल्कुल भी नहीं संभली है गाड़ी।
और यही गलत हुआ। और हाई स्पीड में तो संभलती भी नहीं है यार, मतलब हमको जो है इस गाड़ी को संभाल करके चलाना पड़ेगा, जो SUV हमारी बेंटायगा गाड़ी है। फायर देखो यार किस तरीके कर रही है ये। और ये है हमारी एक और ऑफ रोडिंग, तो भाई यहाँ पर तो धूल उड़ाते हुए जा रही है हमारी गाड़ी। और ये देखो ये ऑफ रोडिंग के मतलब कि ऐसा ही है यार, बहुत बढ़िया गाड़ी है ऑफ रोडिंग में। यहाँ पर ड्रिफ्ट भी अच्छे से कर रही है यार, लेकिन वहाँ पर समझ ही नहीं पाई यार ये गाड़ी। चलो आ गई हमारी गाड़ी भी, निकल चुकी है यहाँ से। और ये भाई एक और रास्ता हमारे सामने, तो भाई किधर को चले, हम चलते हैं अपनी राइट साइड की तरफ। और गाइस ये देखो यहाँ पर स्टेडियम आ चुका है यार, और पूरा अंधेरा हो चुका है भाई। और एक काम करते हैं, गाड़ी को हम यहीं पार्क कर देते हैं। यहाँ पर कहाँ पार्क करें, एक काम करते हैं देखते हैं कोई आसपास घर मिल जाता है तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे। और यहाँ पर एक घर है भाई, यहाँ पर पार्क करते हैं, लेकिन रास्ता तो बंद है भाई, खुला हुआ तो है यार। एक काम करते हैं यहाँ से पार्क करें, आगे से करें, आगे से देखते हैं, आगे लाइट भी है, आगे कुछ मिल सकता है तो। ओ मिल गया यहाँ पर, ये ठीक है। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी गाड़ी, हालांकि दिख नहीं रही है अभी, लेकिन हमारी जो बेंटली है वो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।